ये जगह थोड़ा चेक करो, मतलब हॉन्टेड प्लेस में से ये जगह मतलब एकदम हॉरर जैसा लग रहा है। और मेरा सांस जो है ना वहाँ से फूल रहा है, और वहाँ पे है ना फॉग जा रहा है, बवाल लग रहा है देखने में। ये पेड़ चेक करो, तो हम लोग के साथ वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क भी गायब हो गया और हम लोग रास्ता गुम होकर बैठे। सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोग और एक और न्यू वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, 10 बज रहा है। तो मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे है आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। सो आज का राइड है ना फुल पावर खतरनाक राइड होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं जो है दाव हिल, जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे हॉन्टेड प्लेस में से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हम लोग जो वेबसाइट में गूगल यूट्यूब हर जगह में दिखाई दिया है, वही कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि अपना कैमरा में कोई भूत वगैरह पकड़ा जाता है कि नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी जो है ना हम लोग खड़े हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के बाहर में। तो मेरे साथ और दो भाई भी जाने वाला है, तो उसी के लिए अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो उन लोग जब भी आएंगे तो उन लोग से हम लोग यहाँ पे मीटअप पॉइंट रखे हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के 2 नंबर गेट के बाहर। तो उन लोग ही ऑन द वे है, आने वाले हैं। तो जब भी उन लोग आएंगे तब से हम लोग राइड शुरू करेंगे। तो अपना फुलझड़ी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पास में खड़ा हुआ है। हेयर इज़ माई फुलझड़ी। सो देख सकते हैं कितना मस्त धूप में चमचम चमचम कर रहा है, वाह। और मैं अपना फुल पावर मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में आया हूँ, तो ब्लॉग आएगा फुल पावर धमाकेदार ब्लॉग आएगा। तो गाइस एंड तक देख लेना, क्योंकि जो ये ब्लॉग होने वाला है ना बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। भाई साहब यहाँ पे तो लग गया था पूरा कवाल। तो आगे भाई, दो भाई आगे, तो इनके लिए हम लोग यहाँ पे इतना टाइम से वेट कर रहे थे। हेलो हेलो। तो ये दो भाई के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे, तो अभी से हम लोग राइड जो है कंटिन्यू करेंगे। सो अभी हम लोग कहाँ जाने वाले गाइस? दाव हिल। चलो मज़ा आएगा अभी राइड में। तो हम लोग सीधा आपको मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में मिलते। तो हम लोग का जो ये मीटअप पॉइंट था, तो हम लोग तीनों मिलकर अभी जाएंगे दाव हिल को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। यहाँ से हम लोग जो है ना राइड शुरू कर रहे हैं अपना दाव हिल की तरफ के लिए। पता नहीं कैमरा पोजीशन कैसा आ रहा है, तो सामने जाके पीछे एक और बार ठीक करवा लेंगे। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे फ्यूल अप करवाने के लिए। बाइक में अभी फ्यूल है, थोड़ा बहुत और फ्यूल अप करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, माइलेज भी ठीक रहता है फ्यूल अप करवाने से। सबसे पहले फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ से। तो कैमरा का एंगल है ना थोड़ा यहाँ पे रुक के चेंज कर लिए, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अभी एग्जैक्ट बज रहा है 10:50। तो हम लोग अभी हैं मेडिकल मोड में। तो हम लोग जो जा रहे हैं ना, अपना डेस्टिनेशन जो है फुल पावर दाव हिल है। तो वहाँ पे जाके हम लोग का राइड शुरू होने वाला था 9:30 से, तो वही राइड अभी शुरू हो रहा है। 11:11 तो थोड़ा बहुत लेट हो गए, लेकिन क्या है ना हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा डेस्टिनेशन की ओर। तो ये राइड जो है ना फुल पावर बहुत ही तबाही वाला राइड होने वाला है। गाइस फर्स्ट टू लास्ट तक देख लेना, तो आप लोग को प्रॉपर पता चल जाएगा कि कैसा राइड होगा। तो ये राइड जो है ना फुल एडवेंचरस राइड होने वाला है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था ना, ये क्या ही बताऊँ, ये राइड जो मेरा ड्रीम था कि इतना बाइक लेके जाएंगे दाव हिल जो है कर्शियंग साइड में। तो बहुत ही हॉरर प्लेस है वो, हम लोग का यहाँ पे सबको बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना रात के 5-6 बजे के बाद वहाँ पे
एंट्री करना एकदम ही मना है, क्योंकि वहाँ पे रात के 6 अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते रहता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 11 बज चुका है। तो फ्यूल अप भी करवा लिया बाइक में, अभी फुल टैंक फ्यूल है अपने पास। तो हम लोग ना अभी माटीगाड़ा का यहाँ पे, तो लोग जाएंगे माटीगाड़ा का और से होके हिमोल होके फिर कर्शिंग रोड पकड़ेंगे हम लोग। मेरे साथ और भी दो भाई है पीछे में, तो अभी हम लोग क्या है ना माटीगाड़ा में, तो यहीं से सीधा हम लोग लेफ्ट लेंगे। दो पार्टनर जो यहाँ पे सामने हैं, उन लोग अभी है अपाचे बाइक में। तो यहाँ पे ये जो चेकिंग है, यहाँ पे कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा कड़ा चेकिंग हुआ करता था। तो यहाँ से जो राइट में एक टर्न चला जाएगा, यहाँ से भी तुम कर्शिंग जा सकते हो और सीधा चला जाएगा मिरिक, फिर अपना पंखावाड़ी होके कर्शिंग जाता है, मिरिक से भी आप जा सकते हो। तो हम लोग राइट से नहीं लेंगे, हम लोग जाएंगे सीधा वहाँ से, आपका शॉर्टकट होता है पंखावाड़ी होके, फिर जाके हम लोग कर्शिंग में पहुँचेंगे। सो यहाँ पे जो व्यू है ना बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लिया। तो वहाँ पे देख सकते हैं टीवी टावर है, तो सिलीगुड़ी से देख सकते हैं आप लोग, तो वही टीवी टावर वहाँ पे, तो अभी फॉक्स से भरा हुआ है वहाँ पे, तो इतना खूबसूरत, ये चेक करो गाइस ब्यूटी, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ हो ही नहीं सकता। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे, वहाँ वहाँ पे देखो कितना फॉग जमा है, मतलब क्या ही बताया, एकदम से आँख भर गया, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये व्यूज। वहाँ पे रास्ता देख रहे हैं ये टेढ़े टेढ़े करते 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 हुए, ये रास्ते से करते हुए हम लोग यहाँ पे आके 2 मिनट के रुके हैं, और ये व्यू चेक करो, मतलब क्या ही बताया, एकदम मन खुश कर दिया है ये पहाड़ का व्यू। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 फोटो क्लिक किया, तो वो फोटो आप देखने के लिए आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, तो अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे देंगे और चैनल में फ्रेश हो रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग फोटो चेक कर सकते हैं। तो ये भाई, दोनों भाई का भी फोटो मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा नीचे, आप लोग जाके ज़रूर उन लोग का आईडी भी चेक कर लेना। कर्शिंग यहाँ से 7 किलोमीटर, वो चेकआउट करो गाइस, देख पाएंगे नहीं पता नहीं, वहां पे अपना कर्शिंग टाउन कितना बढ़िया लग रहा है ना वहां पे, मतलब व्यू जो है ना एकदम से बवाल आ रहा है, बवाल। और भी व्यूज इससे भी खतरनाक व्यू आएगा सामने, तो वो भी चेकआउट कर लेना यहाँ पे ना गाइस। बाइक जो एक और दो गियर के अलावा चलता ही नहीं है, जो है ना अपना बहुत ही बढ़िया, मतलब परफॉर्मेंस इतना बढ़िया दे रहा है यहाँ पे, गजब बाइक है भाई, गजब मजा आ रहा है। और ये अपना जो आ गया कर्शिंग टाउन, यहाँ से और कुछ अराउंड आधा घंटा जैसे हम लोग का डेस्टिनेशन है, तो पुराना चर्च में जाएंगे और डाउल स्कूल जो है वहां पे जाएंगे, ये दो एरिया में हम लोग जाएंगे जाएंगे डेफिनेटली। तो गाइस ये जो है ना, ये अपना प्रॉपर क्या बोलते कर्शिंग टाउन है, ये अपना प्रॉपर कर्शिंग टाउन है। और यहाँ पे साइड में देख रहे जो रेलवे है, यहाँ पे कभी जो टॉय ट्रेन भी चला करता था, तो यहाँ से गूगल मैप के अनुसार जो है ना अभी और आधा घंटा जैसा रास्ता है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही मतलब जैम है। सर यहाँ से डाउल का रोड कहाँ पे है? डाउल
ऐसे आ जाना। ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से लेफ्ट लेना होगा, तो यहीं से ये रोड जाना होगा। भाई रोड का कंडीशन तो एकदम से बवाल है यहाँ का, तो पूछते पूछते यहाँ से सीधा हम लोग चले जा रहे हैं दाहिल दाहिल दाहिल। किसी के लिए ड्रीम राइड होता है लद्दाख जाना, फिर अपना ब्लू डम्बल लेक जाना, मनाली जाना, तो मेरा ड्रीम राइड है दाहिल। तो दाहिल मेरा ड्रीम राइड इसीलिए था क्योंकि वो है ना थोड़ा एडवेंचरस राइड है, और यहाँ का जो बारे में आप लोग सुना ही होगा यूट्यूब में, गूगल में, हर जगह में सुना ही होगा कि यहाँ का जो है ना रोड हॉन्टेड है। ছিল तो यहाँ पे आके ना हम लोग रास्ता भूल गए थे, तो फिर से बाइक घुमा के हम लोग नीचे का वो रास्ता से जाना होगा सीधा वाला। वाओ गाइस ये रोड चेक करो, मतलब इसीलिए ये रास्ता देख के एकदम से मतलब मन में जो है ना खौफ बैठ जाता है, खतरनाक सी वाला एक रोड है। तो ना यहाँ पे ना ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी सुना गया है कि यहाँ पे चलते चलते मतलब गाड़ी का स्टार्ट बंद हो जाता है, कभी कभी क्या आता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है यहाँ पे फोन का, और मतलब ऐसे ऐसे छोटा मोटा ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है ना यहाँ पे देखते मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आ गया यहाँ पे दाहिल पार्क, चलो दाहिल पार्क बेटा, अरे दाहिल पार्क, अरे चल आगे आ। सो ये वाला जो है ना दाहिल पार्क है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है पार्क है, लेकिन अपने को जाना है स्कूल। तो और आगे तो यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ही ठंडा है गाइस, राइड करने में तो और फट रहा है। ओ रे भाई ये रोड चेक करो गाइस, मतलब দেখো কোন রাস্তা রে দেখাচ্ছে লখনাবাড়ি রাস্তা দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপের ভরসা করলে এরকম হয়। ডাবল মোটর স্ট্যান্ড, আরে ডাবল স্কুল কেন ভাই, জল খেলে ইকো পার্ক, ডাবল পার্ক, ডাবল ফরেস্ট। तो हम लोग के साथ वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो हो रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क भी गायब हो गया और हम लोग रास्ता गुम होके बैठे हैं। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ से जाएंगे यार। तो अभी इनकी स्कूल जो है ना कहाँ से जो मिलेगा पता ही नहीं चल रहा है, और इतना सन्नाटा है यहाँ पे, कहीं का और कुछ भी आवाज नहीं है, सिर्फ मेरा ही आवाज और मेरा जो फूट का जो आवाज वही आ रहा है। जस्ट यह चेक करो, और यहाँ पे अपना बाइक और दो भाई यहीं पे खड़े हैं। तो यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज्यादा, हाथ भी काम नहीं कर रहा है। तो
यहाँ पे बैटरी तो मैंने जो कैमरा में उसमें डाल दिया है, तो फिर यहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। तो आगे जाके देखते हैं कहाँ पे हम लोग का स्कूल जो मिलता है। सो गाइस हाउ द जोस, लगता है डाउन है इन लोग का। हाई बोलो, हाई मतलब क्या बोले, एकदम काँप रहे हैं ठंडा से। कोई नहीं, ज्यादा ही ठंड लग रही है। अगर आप लोग भी आना चाहते हो डाउन हिल तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, कंबल उम्बल सब लेके आना, बिना कंबल का बता। ऊपर से जा रहा है कि बादल जैसे जा रहा है, बादल के पीछे हम लोग आ गए। तो फिर से हम लोग मोटर ब्लॉकिंग में आते हैं और फिर डाउन हिल स्कूल में जाके हम लोग सीधा वहाँ पे जाके आप लोग को मिलते हैं। लेट्स गो। सो गाइस राइट फिर से कंटिन्यू करते हैं। और ये पूरा नीचा ढलान सा रास्ता है, यहीं से जाना बोला है। ये रास्ता शायद जा रहा है पुराना चर्च की ओर, तो पुराना चर्च के वहाँ पे जाएंगे। पहले हम लोग स्कूल जाएंगे, डाउन स्कूल जो है वहाँ जाएंगे। डाउन स्कूल जाने के बाद पुराना चर्च में जाएंगे। सो फाइनली डाउन स्कूल से आर हियर। सो फाइनली गाइस हम लोग आगे डाउन स्कूल, जो यही है वो स्कूल जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कुछ स्टोरीज वगैरह सुने होंगे आप लोग। तो ये रहा आप लोग का जो स्कूल है, यहाँ पे हम लोग आ गए स्कूल में। तो अभी यहाँ से अब सीधा हम लोग जाएंगे पुराना चर्च के वहाँ पे, तो वह भी एक हॉन्टेड प्लेस जैसे हम लोग बोला जाता है। तो ये अपना जो चेकआउट कर लिए यहाँ पे जो स्कूल है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे देख रहे। पीछे में मेरा स्कूल है। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे पुराना चर्च की ओर। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, बहुत ही ठंडा है गाइस, और हाथ जो है ना एकदम से सुन हो गया है, क्या ही बताएं। तो एंजॉय कर लिए, तो एक और वीडियो आप लोग दिखाएंगे सीधा वहाँ पे जाके कि पुराना चर्च के वहाँ पे जाके कुछ स्टोरी आपको बताएंगे वहाँ पे। तो एक हॉन्टेड प्लेस में से जाना जाता है। तो यहाँ का मैम लोग जो बोल रहे हैं ना, यहीं पे गाड़ी को पार्क करके ऊपर जाना होगा, यहीं पे कहीं पे गाड़ी रखना होगा। फाइनली गाइस, जिस जहाँ की लोकेशन के लिए हम लोग इतना दूर से आए, तो बाइक नीचे रख के ट्रैकिंग करके हम लोग ऊपर आए। और आप चेकआउट कीजिए, यहीं पे पीछे में जो है वो जो फेमस चर्च है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बैक कैमरा। हियर इज अ चर्च। वाओ, मतलब फर्स्ट टाइम ये वाला चर्च में आए। तो पहले तो यहाँ से अंदर जा पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो बेरिया देखिए यहाँ पे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो हियर इज द चर्च, जो कि बहुत ही हॉरर बताया जाता है। और मेरा जो है ना सांस फूलने लगा है, ये चेक करो गाइस, खतरनाक। आप लोग को थोड़ा मैं चर्च का 360 व्यूज दिखा देता हूँ। और ना यहाँ पे जो स्कूल है, ये थोड़ा बताया जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। मैं कुछ मतलब सेंस गुम हो जाता है किसी का, मतलब अपना होश सीट उस आवाज़ में नहीं रहता है। और ये जो चेकआउट करो गाइस, बहुत ही बढ़िया है। और ये विक्टोरिया बॉय स्कूल का गेट है अंदर में। तो अभी स्कूल का जो गेट है ना बंद है, तो सो फाइनली गाइस आप लोग देख ही लिए ये वाला अपना जो है पुराना चर्च है यहाँ का। तो मेरा हेयर स्टाइल में मत जाओ, तो हेलमेट पहनते हुए ऐसा हेयर स्टाइल बन गया, तो हेयर स्टाइल को थोड़ा इग्नोर कर देना। इतना दूर मशक्कत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए पुराने चर्च के यहाँ पे। तो यही वो हॉन्टेड चर्च है, सब कोई बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटा है सबके साथ। तो वैसे कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ तक आने का सफ़र जो है ना बहुत ही मस्त रहा, और रास्ते में मतलब इतना अच्छा अच्छा व्यू मुझे मिला है देखने को। तो वही मैं वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा होगा, तो थोड़ा बहुत सिनेमेटिक वीडियो में अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग इन्जॉय कर लेना चैनल में।
तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर से कमेंट्स में बता देना। तो मेरे साथ दो भाई और आया था, वहाँ पे दोनों फ़ोटो क्लिक करने में व्यस्त है और यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो जो है ना पीछे अपना हॉरर चर्च है बोलते, और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारा पाइन्स का जो है ना, मतलब ऊपर से जो फॉग जा रहा है, व्यू जो है ना खतरनाक आ रहा था। तो मतलब मन भर गया, इतना मज़ा आया वहाँ का व्यूज़ देख के। तो सो या गाइस वीडियो इतना तक ही था। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से कमेंट कर देना, और चैनल में क्यों न्यू आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे एडवेंचर वीडियो के साथ। और अगर वीडियो इतना तक देख लिया तो भाई किस बात का वेट करो भाई, लाइक कर देना। नेक्स्ट राइड तो हम करेंगे टिंगलिंग में, जो है वो मिरिका वहाँ पे है, तो वो वीडियो भी आएगा। मस्त व्यू है वहाँ का भी, जो है ना लोकेशन बहुत ही अच्छा है। सो हियर इज द हॉन्टेड चर्च, हियर इज मी एंड हियर इज गाइस, हाउ इज द जोश फुल। सो वीडियो इतना तक ही था, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, बाय।